और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस कार्यालय में भी कोरोना का साया नजर आ रहा है। कांग्रेस कार्यालय प्रभारी राजीव सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पीसीसी कार्यालय को 7 दिन के लिए लॉक कर दिया गया है। कोई भी बाहरी प्रवेश नहीं कर सकेगा, तो बीजेपी दफ्तर को भी लॉक किया गया है। और इसके बाद अब बीजेपी के बाद कोरोना का साया कांग्रेस कार्यालय पर भी नजर आया, जिसके चलते कार्यालय को लॉक कर दिया गया है 7 दिनों के लिए। तो आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण का साया अब कांग्रेस कार्यालय में भी नजर आया है। कांग्रेस कार्यालय प्रभारी राजीव सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद 7 दिन के लिए पीसीसी कार्यालय को लॉक कर दिया गया है और कोई भी बाहरी पीसीसी में प्रवेश नहीं कर सकेगा। और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी शासकीय कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। पहले से स्वीकृत कर्मचारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई है। भोपाल कलेक्टर ने संबंध में आदेश जारी कर दिया है, अगले आदेश तक किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। तो इमरजेंसी के लिए अधिकारी कर्मचारियों को तैयार रहने का भी आदेश दिया गया है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, सभी शासकीय कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए हैं। भोपाल कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।